हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरुजी 2। और मैं इस वीडियो में आपको सबसे कम रेट में आपको .com डोमेन बाय करके बताता हूं, और वो भी कहां से। ठीक है, तो GoDaddy से तो वो इतना सस्ता नहीं मिलेगा, तो चलिए मैं आपको एक दूसरे साइट से आपको बाय करके बता देता हूँ। और 100% श्योर है कि उसमें वो एक्टिव हो जाता है डोमेन। मैंने कल ही एक डोमेन बाय किया था जिसको मैं अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, यही है .com डोमेन technokitchen.com। तो मैंने अभी इस पे एडसेंस के लिए सॉन्ग डाल के छोड़ा है कुछ, और अभी मैं अप्रूवल हो जाएगा इसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च कर लेना है ambitionhost.com। ठीक है, आपको टाइप करना है AMBITION, एम्बिशन होस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एम्बिशन होस्ट डॉट इन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और ये कुछ खुलेगा इस तरह का। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप आ सकते हैं रजिस्टर्ड डोमेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना डोमेन का नाम पेस्ट कर दीजिए। तो मैं अभी लेने वाला हूँ द सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा ये डॉट कॉम है अवेलेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहीं पे क्लिक करूँगा चेकआउट पे, तो ये चेकआउट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इसमें और भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ से होस्टिंग भी ले सकते हो और अपना खुद का नेम सर्वर भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो मैं अभी फिलहाल में इसको भी छोड़ दूंगा, ऐसे मेरा रहने दीजिए, बाद में मैं इसको डालूंगा। पहले अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। हटा करके कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको मैं एक प्रोमो कोड दूंगा, जो कि आप यहाँ पे पेस्ट करोगे COM195। ठीक है, और यहाँ पे वैलिड पे क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो 195 में हो गया इंडियन में। ठीक है, अगर आप इसका यूज नहीं करोगे तो यहाँ से आपको टोटल लग जाएंगे 650 रुपये के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिएगा चेकआउट पे, और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लीजिएगा। तो मैं डाल लेता हूँ और अपने जीमेल को चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हो सारा चीज़ मैंने डाल लिया है। ठीक है, हम देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेना सही से, और यहाँ पे अपना कोई सा पासवर्ड डाल लेना। तो मैं भी डाल लेता हूँ, कंफर्म पासवर्ड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप नीचे आकर इसको चेकआउट करके यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबो। ठीक है, और यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर कर लीजिएगा, लिखा है योर पोस्ट कार्ड कैन नॉट लेटर नंबर 2 स्पेस स्पेस कहीं पे लग गया था। दिया था पोस्टल कोड मल्ली का। ठीक है, तो अभी मैं देख लेता हूँ कहाँ पे क्या गड़बड़ी है। तो अभी तो कहीं पे नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से पासवर्ड डाल लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चेकआउट कर गया, आई एम नॉट रोबो। कंटिन्यू करता हूँ और देखता हूँ क्या इश्यू होता है। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मेरे को पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, तो बार बार हमको लॉगिन करने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो, आपको यहाँ से UPI का ऑप्शन मिल रहा है, कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है,
और यूपीआई अर्न क्यूआर का ऑप्शन मिला है, तो मैं यहाँ से यूपीआई अर्न क्यूआर का कोड ले लूंगा और यहाँ से मैं क्यूआर कोड बना लूंगा, जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने गूगल पे आईडी से यहाँ पे पेमेंट कर दूंगा। तो चलिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और ये पेमेंट कर दिया। ठीक है, प्रोसेसिंग हो रहा है मेरे यहाँ पे और यहाँ पे हो गया पेमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, तो आप ये मेरा ऑर्डर नंबर है और इसका जो ऑर्डर होगा उसका एक मेल हमारे ऊपर भेज देगा। ठीक है, तो कंटिन्यू क्लाइंट एरिया में चला जाता हूँ। तो आपको ये कुछ टाइम लेगा, मतलब कि 2-3 घंटे या फिर उससे भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि ये लोग अपना काम करेंगे और यहाँ पे एक्टिव कर देंगे। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और उसके बाद अपना नेम सर्वर डाल लेता हूँ। तब जब ये अपना एक्टिव हो जाएगा उसके बाद मैं इसको अपना डाल लूँगा। ठीक है, तो मैं अभी जिस सर्वर पे यूज कर रहा हूँ तो मैं इसका नेम सर्वर डाल लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नेम सर्वर NS1 1F2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सेव एंड चेंज कर देता हूँ। तो चलिए ये अभी पेंडिंग है, कुछ टाइम में ये एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये पेंडिंग है, कुछ टाइम के लिए रहेगा, 1-2 घंटे ऐसे लग जाते हैं, क्योंकि उस दिन मैंने नाइट को बाइक किया था। अभी तो टाइम हो गया है 10:20 AM। ठीक है, तो अभी सुबह का समय है, तो ये जल्दी ही कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का स्टाफ जो होता है एक्टिव रहता है इस समय। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी डोमेन बाइक करने में कोई दिक्कत हो रही है या फिर आप हमसे बाइक करवाना चाह रहे हैं, तो आप हमसे भी बाइक करवा सकते हैं या फिर खुद से भी बाइक कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस हमने बताया है और ये सारे लोग आप यहाँ से बाइक कर सकते हैं और यहाँ से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कोड आईडी पर। इसका रिन्यूअल चार्ज भी आपको नहीं देना पड़ेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे तो 600 के आसपास आपको लगेगा ट्रांसफ़र फी। तो आप वहाँ पे रिन्यूअल करना नहीं पड़ेगा, 1 साल के लिए उसका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक पे।